नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IAS पॉइंट के YouTube चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क और परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थान जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप WhatsApp पे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए, धन्यवाद। कब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 28 अप्रैल, 21 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। आपको बता दें कि जो पहले का जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखो, 24 को यह बना, 28 को क्या बना था, 28 को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस और श्रमिक दिवस, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो एक आपको याद रखना है कि श्रमिक दिवस भी 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, तो 21 अप्रैल में आपको यह याद रखना है कि सिविल सेवा दिवस यानी कि UPSC डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को क्या बनाया, तो 30 अप्रैल का आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जेज दिवस मनाया जाता है। चलिए, ये तो हो गई हमारे इंपॉर्टेंट डे की। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज्य अपनाने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा है, तो केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह आपका राजस्थान होगा। आप सभी को बता दें कि जो राजस्थान है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय बन गया है। अब देखो, राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होगा राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। इसका गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का गठन किया गया था। इसके साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्रा जी राजस्थान के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। ये चीज़ें हो गई हमारे राजस्थान से। उसके बाद कह रहा है केरला के बारे में भी जान लेंगे कुछ, तो केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। जिले कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ के जिलों की संख्या 14 है। गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 में यहाँ का गठन किया गया था। राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजय सिंह। अब पारी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। यहाँ के जिलों की संख्या 72 है। इसके बाद गठन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेंगे, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 13 है। गठन 1 नवंबर, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिश्चंद्र, क्या नाम है, बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। ये हो गई आपकी केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बारे में। और आपको याद रखना है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है यह अपनाने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा है, तो वह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास अप्रैल के पहले सोमवार, अप्रैल के अंतिम शनिवार, मई के पहले सप्ताह या फिर अप्रैल के दूसरे सप्ताह। आपको बता दें कि जो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अप्रैल के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए,
अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं क्या उत्सर्जित करती है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या पानी। अधिकतर बच्चे सोचते होंगे कि हाइड्रोजन ईंधन कोशिका है तो यह हाइड्रोजन उत्सर्जित करती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन ईंधन जो कोशिका है यह पानी क्या करती है, पानी को उत्सर्जित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली ईंधन सेवा का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन आपके पास 1932, 1829, 1839 या फिर 1992। आपको बता दें कि जो पहली ईंधन सेल का आविष्कार 1839 में किया गया था। आइए देखते हैं, वेल्थ वैज्ञानिक विलियम रॉबर्ट ग्रोव ने 1839 में ईंधन सेल का आविष्कार किया था, लेकिन 1960 के दशक तक इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया था। 1960 तक क्या हुआ, इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया था। 1960 के बाद ही इसका व्यावसायिक उपयोग करना शुरू किया था, परंतु इसका जो ईंधन सेल है, इसका जो आविष्कार है, यह 1839 में ही कर दिया गया था। किसके द्वारा? वेल्थ वैज्ञानिक विलियम रॉबर्ट ग्रो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूएससीआईआरएफ ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत को किस सूची में डालने की सिफारिश की है? विशेष रूप से चिंता का देश, विशेष वॉच सूची देशों या फिर विशेष चिंता की इकाई। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेष रूप से चिंता का देश। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 2020 में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण भारत को दूसरे वर्ष के लिए विशेष रूप से CPCS या फिर जिसे विशेष रूप से चिंता का देश की सूची में डालने की क्या की है, सिफारिश की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन कपास पर अनुसंधान परीक्षण के किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वनस्पति उद्यान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद या फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संगठन। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो मुख्यालय यह कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। 16 जुलाई 1929 में क्या किया गया था, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आइए देखते हैं, भारत प्रकृति रूप से रंगीन कपास उगाने के लिए क्या है, अजनबी नहीं है और अपने आने वाले महीनों में यह उम्मीद भी की जा रही है कि इस किस्म का जो देश है इसमें व्यावसायिक रूप से उगाया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 3 दशकों के शोध के बाद यह संभव हुआ है, यानी कि 3 दशकों के शोध के बाद क्या यह संभव हुआ है। इस तरह आपका जो ऑप्शन नंबर है वह सही होगा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ कौन थे? ऑप्शन आपके प्रेशर कुकर के आविष्कारक, बास्केटबॉल के आविष्कारक, गेंद के आविष्कारक या फिर कंप्यूटर के आविष्कारक। आपको बता दें कि डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ बास्केटबॉल के आविष्कारक थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे, तो 1679 में प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के डेनिस पेपिन ने किया था। क्या नाम था? इंग्लैंड के डेनिस पेपिन के द्वारा प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया था। इसके बाद देखो, कंप्यूटर का आविष्कार आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आपको याद रखना है कंप्यूटर का, तो कि कंप्यूटर के आविष्कार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक शिफ्ट में आ जाता है। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक है वह चार्ल्स बेबेज थे। अगले प्रश्न की